हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। कुशेश्वर स्थान के हर बार में पप्पू यादव थे, हमें उम्मीद है पप्पू यादव को सहयोग करेंगे। कुशेश्वर स्थान के हर तारापुर के हर घटना में पप्पू यादव से उम्मीद है वहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगी। विपक्ष के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, उसके बाद भी गठबंधन है। दोनों जगह चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी गठबंधन है। IVTV देखता है इंडिया। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार इससे पहले भी कहते आए हैं कि विपक्ष के नेता जो हैं वो बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, और आपने ये बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और कांग्रेस के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं वो बीजेपी की सपोर्ट करें। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कौन नेता हैं जो, सर ये दुनिया जग जाहिर है विपक्ष के नेता कौन है। कांग्रेस ने जो बात हम सब दिन बोलते रहे वो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया जी। सर ED का पैसा वापस होना, 6 महीने 8 महीने से ED का पूछताछ नहीं करना जी। अपने केस से बचने के लिए सारे आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी को गायब कर देना जी। नरेंद्र मोदी बीजेपी और अमित शाह पर कोई चर्चा तक नहीं जी। हमेशा नीतीश कुमार को टारगेट करना जी। पूरे NRC की लड़ाई में घर में बंद रहना जी। कभी भी किसी कॉज पर खड़े मत होना, तो बहुत क्लियर है। मैं कोई अब ऐसे सवाल पर, जब देश आ संकट में है, किसान संकट में है जी। जब बिहार के मजदूर संकट में है, 110 रुपये डीजल बिकेंगे, जब 950 रुपये सिलेंडर बिकेगा, जब हमारी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पॉलिसी बेकार है, नेपाल से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान से लेके तालिबान, अफगानिस्तान सब हमारे विरोध में है, और चाइना लगातार वार करती जा रही है उत्तराखंड से लेकर सब जगह, तो जरा आप हमको बताएंगे ना, क्या आप उस पर बोलते नहीं है? बिहारी मारे गए, आप जब बाढ़ में फंसा था गुजराती, तो आप प्लेन से कहते मैं ले गया, तो फिर बिहारी को क्यों नहीं आप भेजे? आप 150 करोड़ का बांस बल्ला लगाते हो और बिहारी को नहीं लाते हो, तो जन अधिकार पार्टी आप तैयार हो 50 लाख रुपया आपको कॉपरेट करेगी बिहार को, लो नहीं लाओगे तो फिर हम अपना निर्णय लेंगे, और फिर बिल्कुल लड़ाई है, क्लियर है। इसीलिए हमारी पार्टी ने, केंद्रीय टीम और स्टेट कमेटी ने निर्णय लिया कि बिहार के हित में कांग्रेस ने जो अभी फैसला लिया है, और जो हालात है आज देश के और बिहार के, जो परिस्थितियां हैं, उसमें हमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। जहाँ पप्पू यादव कुशेश्वर स्थान में रहेंगे, सारे MLA XML हमारे जितने हैं वहाँ रहेंगे, और एक एक पंचायत में रहेंगे और काम करेंगे। सर आपसे एक और सवाल कि तमाम पार्टियां जो हैं वो उपचुनाव को लेकर तैयारी में लगी हुई है, बात करें अगर GDU की, बात करें राजद की, कांग्रेस की, और चिराग पासवान भी उपचुनाव को लेकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से तैयारी में कुशेश्वर स्थान तारापुर के लगातार दौरा कर रहे हैं। सर क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान इस बार, सर धन्यवाद, मैं किसी को नहीं जानता व्यक्ति को, सभी पार्टियों को लड़ने का पूरा राइट है, सभी नेता अपने लिए कैंपेन करेंगे, और निश्चित रूप से उस पर हमसे पूछने की, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, जनता तय करती है, जनता का आशीर्वाद जरूरत है। देश आज कांग्रेस को देख रही है जी। आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार गिरफ्तार होती है, पीटे जाते हैं, और जो हालात किसानों के हैं, और जिस तरह की परिस्थितियां बिहार की बना दी गई है जी। कोई इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है, बिहार कंप्लीट रोजगार पर खड़ा है, उस पर कोई बहस नहीं है, और हम लगातार अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। कुशेश्वर स्थान के हर बार में पप्पू यादव थे, हमें उम्मीद है पप्पू यादव को सहयोग करेंगे। कुशेश्वर स्थान के हर तारापुर के हर घटना में पप्पू यादव से उम्मीद है कि वहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगी, तो इसीलिए हमारी पार्टी प्रयास करेगी कि जनता इस बात को समझे और हम एक नए बिहार के विकल्प के लिए आगे बढ़ें। एक अंतिम सवाल आपसे सर कि महागठबंधन में टूट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, राजद और कांग्रेस एक साथ आने वाले थे उपचुनाव में, लेकिन अलग अलग अभी उपचुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि महागठबंधन टूट जाएगा क्या बिहार में? मतलब कांग्रेस ने कह दिया कि विपक्ष के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, उसके बाद भी गठबंधन है, दोनों जगह चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी गठबंधन है, ये तय करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, मेरी नहीं है, कांग्रेस राजा है रंग। अभी आप कांग्रेस के सर सपोर्ट में हैं, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं सर, इसलिए ले लो उनको, नहीं बहुत क्लियर है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, वो सब कुछ जन अधिकार पार्टी अपना फैसला कर सकती है, अपना निर्णय करेगी,
मैं महागठबंधन पहले भी कांग्रेस को आंख दिखाई विधानसभा में, लोकसभा में आंख दिखाया, पहले भी रंजीत रंजन को टिकट देने से भी लोकसभा में बेइज्जत किया, हमेशा कांग्रेस को बेइज्जत करती है। तो कांग्रेस के को निर्णय लेना है ना, हमें निर्णय नहीं लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। आप देख रहे हैं IVTV, श्रद्धा सुमन के साथ राकेश रोशन, पटना।